अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा। आपके अपने शो प्ले ऑन में नाजरीन आप लोग देख रहे हैं आठवीं स्पोर्ट्स, और मेरे साथ इस वक्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं मुनीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। आई लव इट, बिल्कुल क्रिकेट से हमें मोहब्बत है, बल्कि पाकिस्तानियों के खून गर्मा जाते हैं जब वो क्रिकेट की तरफ देखते हैं। और पाकिस्तान में PSL का 7th एडिशन स्टार्ट होने चला है, और द फाइव चैंपियन मुल्तान सुल्तान इसको डिफेंड करने के लिए तैयार है। मुल्तान सुल्तान का पहला मैच कराची के साथ होगा। जी बिल्कुल, कैप्टन मोहम्मद बाबर और रिजवान मोहम्मद रिजवान के दरमियान होगा टाकरेदार मुकाबला। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि कराची का पलड़ा भारी रहेगा या रिजवान का? देखें, कराची ने एक बड़ा अच्छा काम किया, इमाद वसीम को कप्तानी से हटा दिया। पहले पिछले एपिसोड बताया था आपको कि वो थोड़ा सेल्फिश है इमाद वसीम, क्योंकि अगर आप देखें तो बॉल स्पिन तो वो करता नहीं है, बैटिंग भी उसकी वो नहीं है जो नवाज की है। तो उसका एक कंपटीशन नवाज से भी है टीम में आने के लिए, और फिर जब उसकी अपनी टीम में उमर खान आ गया तो वो कप्तान, इवन जो एक में एक प्लेयर है आमिर जामीन मुल्तान के हैं, आमिर जामीन, और उनमें बड़ी सलाहियत है एक अच्छा ऑलराउंडर बनने की, और कई मैचेस में उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो अक्सर ये होता था कि आमिर यामीन से पहले इमाद वसीम आ जाते थे। अब आमिर यामीन मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है इमाद वसीम से, तो बाबर आजम के कप्तान बनने से बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत ही कूल कैप्टन है, और अब सही मुकाबला होगा, कराची को मौका मिलेगा। कप्तान जो ना वो मेन कैप्टन के बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कैप्टन जो होते हैं वो उनके स्ट्रेटजी जो होती है, और माशाल्लाह कामयाब कैप्टन है। अगर आप देखें 2021 के मोस्ट जो विन इन अ ईयर वो बाबर आजम है, माशाल्लाह इस वक्त कामयाब तरीन कैप्टन है। तो इस तरह के प्लेयर को कैप्टन बनाना एक फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, बिल्कुल। और कराची की वैसे भी पोजीशन जो है ना आखिरी टॉप फोर में आता है, आप देखें हमेशा आखिरी उसमें जाता है, मरहलों में जाता है। तो इस दफा देखते हैं कि रिजवान एक तरफ से कैप्टन होगा, दूसरी तरफ से अगर देखें तो ये कैप्टन होंगे हमारे जो कैप्टन हैं कौमी टीम के, और बाबर आजम। उसके बाद अगर आप देखें तो एक तरफ से शाहीन अफरीदी हैं। तो पाकिस्तानी टीम में से कैप्टन लेना ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जी जी, कैप्टन मैंने कहा ना वो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का हो, वो ये है कि हमें नेक्स्ट मतलब आगे फ्यूचर में कैप्टन मिल जाता है। तो रिजवान की मैंने बात की, फ्यूचर कैप्टन आपका बहुत अच्छा है, जैसे कोहली के बाद आपने देखा कि कैसे रोहित आ गया। हाँ, तो ये बातें चल रही थी पिछले 2-3 साल से, और वो कैप्टन बन चुका है। तो आप भी देखेंगे कि मुस्तकबिल में रिजवान को पहले किसी एक फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जाएगा, और मुस्तकबिल का कैप्टन हमारा रिजवान ही है। कहीं पे कैप्टन काम नहीं करता तो फिर जो कोच बैठे हैं ना वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे मैं पिशावर जलमी की बात करूं तो डैरन सैमी वो पहले कप्तान थे, अब कोच हैं। मैं कहता हूं उन्होंने जान है जी, लास्ट अगर आप देखें PSL में सेमीफाइनल में उन्होंने 2-3 सरप्राइज दिए हमें, हजरतुल्ला जजई की सूरत में और रदरफोर्ड की सूरत में। तो फिर फाइनल में भी अगर कामरान अकमल पहले 4 ओवर्स में 23 बॉलें ना खेलता कामरान अकमल, तो मैं कहता हूं कि वो हजरतुल्ला जजई को आउट करवाने में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फाइनल में कामरान अकमल का हाथ था। पहले 4 ओवर में स्ट्राइक दिया ही नहीं उसको, वो जैसे ही 5वें ओवर में दूसरी बॉल खेला और वो आउट हो गया। तो कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल, एक सीरीज ऐसी थी न्यूजीलैंड में कि एक तीनों भाई कीपर थे एक एक फॉर्मेट में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उमर अकमल का मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में जो पाकिस्तान की तारीख का पहला टूर्नामेंट हुआ तो उसमें T20 टूर्नामेंट, पहला टूर्नामेंट 2000 में हुआ था, तो उसमें लाहौर की दो टीमें, आपको पता है पहले लाहौर की दो टीमें होती हैं और कराची की दो होती थी, बड़े बड़े, तो दोनों टीमों लाहौर की दो टीमों में जो कीपर थे वो एक हुमायूं फरहत इमरान फरहत का भाई, एक कामरान अकमल था। अब उमर अकमल कहता है जी मैंने भी खेलना है, क्योंकि कामरान अकमल का भाई था तो जगह बन गई, अदनान अकमल की बन गई। तो उमर अकमल को मैंने देखा उसमें मुल्तान की टीम में, वो एज ए कीपर था, बाकी प्लेयर सारे मुल्तान के थे उस वक्त, लोकल होते थे, लेकिन उमर अकमल को ना एज ए कीपर यहां से खिलाया गया, कामरान अकमल क्योंकि उस फॉर्म में थे। तो उमर अकमल की अब फिर दोबारा देखें लक चली है कि वो छोड़ के चले गए अमेरिका, लेकिन क्या हुआ कि उनको पिक कर लिया गया, क्योंकि उमर अकमल एक बासलाहियत प्लेयर है अगर वो अपने पूरे 100% पे खेले थोड़ा सा अपने आप को आजिज करे रिजवान की तरह, बिल्कुल आप देखें परफॉर्म करेगा। अहमद शहजाद नहीं है इस दफा, मैं कहता हूं ये हैरान कुल बात है। आप देखें कि जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हो रही थी तो अहमद शहजाद पे बहुत ज्यादा
मतलब इस नाम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था कि अहमद शहजाद को होना चाहिए, तो अहमद शहजाद का कैरियर के बारे में आप क्या कहेंगे? अहमद शहजाद का आप कैरियर तो मुझे खत्म लग रहा है, जो PSL आप नहीं खेल सकते तो फिर आप उमर अमीन को देख लें, बड़ा हमारा वो था, अब उमर अमीन भी सिलेक्ट नहीं हुए, इमामुल हक और सलमान भट्ट को भी पिछले 2-3 PSL में मौका मिला, उनको भी चांस नहीं मिला। अहमद शहजाद देखें, अहमद शहजाद बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, लेकिन ये सोशल मीडिया स्टार बनने के चक्कर में ना क्रिकेट स्टार, यानी अपने आप अगर फोकस नहीं रखेंगे अपने गेम पे, मेहनत नहीं करेंगे। रिजवान ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि अगर ओपोनेंट टीम हमसे ज्यादा मेहनत करके आएगी तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी देंगे, अगर हम उनसे ज्यादा मेहनत करके आएंगे, स्ट्रगल करके आएंगे, कोशिश करके आएंगे तो हमारी कामयाबी होगी। तो अगर आप अपनी गेम को टाइम नहीं देंगे, आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको सोशल मीडिया का में जितने मर्जी डोमिनेंट हो, आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो अहमद शहजाद भी शायद इस तरह अपने कैरियर में पीछे की तरफ गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इंटरनेशनल प्लेयर में अगर हम देखें तो बेन डंक सेलेक्ट नहीं किया गया, बिल्कुल ये देखें कि डंक की परफॉर्मेंस तो हमेशा से बहुत लास्ट रही। लास्ट PSL में परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी अच्छी, हाँ सेकंड लास्ट में तो वो हीरो था, तो लास्ट में परफॉर्म नहीं कर सका। वैसे भी रिटायर्ड प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, लाहौर कलंदर के लिए बहुत अच्छा, मतलब माइल मिल्स जो हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया, मैं कहता हूं उससे अच्छा बॉलर कोई नहीं, अभी T10 लीग में बड़ा परफॉर्म किया है माइल मिल्स ने। डेविड विली को सिलेक्ट नहीं किया गया, और नजीबुल्लाह जरावान उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। अच्छा नूर खान भी इस दफा नहीं ऐड हुआ, बहुत अच्छा नूर खान, बिल्कुल मैं समझता हूं ये बहुत टॉप क्लास का टैलेंट था, मुस्तकबिल का मैं कहता हूं स्टार है वो नूर, मैं उसकी बैटिंग देखी है T10 में, और T10 का टॉप स्कोरर भी था, और स्पिन बहुत अच्छी कर, मैं कहता हूँ शॉट बना के मारता है बहुत जबरदस्त, हालांकि कद ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन उसके छक्के देखें आप कमाल, तो नूर खान को सिलेक्ट करना चाहिए था। अच्छा राशिद खान मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगा इस PSL में, लाहौर के ऐसे था, पहले भी ऐसे ही था कि वो गए थे फिर वापस आ गए थे, तो राशिद खान का एक बड़ा इंपैक्ट है और बड़ा बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, दाई सी बात है, तो उनका बहुत अच्छा। अच्छा कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने BPL की वजह से ना PSL को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि साथ के साथ BPL भी चल रही होगी, और अगर BPL साथ के साथ चल रही है तो बहुत सारे प्लेयर उस तरफ मूव कर गए, हालांकि BPL अगर हम देखें तो वहां पे जो एक खास किस्म की पिचेस होती हैं, हाँ जो कि बड़ी हाँ मजा होती है, और वो मतलब एक T20 का जो एक चाम होता है सिक्सेस के बाद वो वाला नजर नहीं आता। लास्ट टाइम पाकिस्तान का टूर, यही बांग्लादेश की टीम है उसने व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, लेकिन आप वर्ल्ड कप में देख लें खुद वो ब्लैक वॉश हो गए, ब्लैक वॉश हो गए, और वहीं पाकिस्तान की टीम ने वहां जाकर बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया, तो मतलब माशाल्लाह काफी टैलेंट था, और पाकिस्तान यकीन करें कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अगर बचा जाता तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का कंफर्म था जिस फॉर्म के साथ वो थे। एक दो गलतियां हैं वो माननी पड़ेंगी पाकिस्तान से हुई उस डे में ऑन द डे, और लेकिन ये है कि चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह 2022 में फिर वर्ल्ड कप। अब PSL का जो मुकाबला है मैं समझता हूँ वो सिर्फ BBL से है, बिग बैश लीग और IPL से है। IPL से बिल्कुल PSL इस वक्त मैं समझता हूँ नंबर 3 पे है, उसकी वजह ये है कि पिछले PSL जो हुए हैं उसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को नहीं ला सके, आप देखें कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बार रिजेक्ट हो गए। रमीज राजा क्योंकि खुद प्लेयर है तो वो जानता है, और उसकी जो पाकिस्तानी प्लेयर भी रिजेक्ट हुए तो इसके पीछे भी रमीज राजा ने कहा है कि वो जो आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है उनको ना खेलें वो PSL, यंगस्टर्स को मौका दें, बिल्कुल नया टैलेंट आया जैसे धानी आया है, इस तरह का टैलेंट जब सामने आएगा, इमर्जिंग प्लेयर सामने आएंगे तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान के। अब लास्ट टाइम मुझे याद है 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान के PSL खेलने वाले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो PSL खेलते हैं उसमें सिवाय विंस के और कोई प्लेयर भी नहीं था, तो अब इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो प्लेयर आ रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर वो काफी मतलब सीजन कंपेनर हैं, बिल्कुल तो उम्मीद की जाती है कि जो PSL 7 है ये बहुत जबरदस्त होगा और कामयाब होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, इस दफा PSL का जो सॉन्ग है जो तराना है उस पर भी आप देखेंगे काफी क्वालिटी होगी, पिछली दफा की तरह नहीं, लास्ट ईयर काफी कंट्रोवर्शियल रहा और नसीबो लाल से वो गाना गवाया गया, हालांकि वो एक अच्छा मतलब अच्छा था, नसीबो लाल का है इंपैक्ट, हाँ। लेकिन फिर भी लोगों को पसंद नहीं आया कि नसीबो लाल का क्रिकेट में क्या काम, लेकिन आप ये देखें ना कि वो कंट्रोवर्शियल होने की वजह से बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, वो गाना ना शादियों पे बजाया जाता है, मेहंदी फंक्शन पे बड़ा वायरल हो गया, वो वायरल हुआ है।
तो इस दफा PSL का गाना कौन गा रहे हैं? इस दफा हो गया शुरू, अब देखेंगे क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये जो पहले था ना, एक जो अली जफर ने जो गाया है ना गाना, मैं कहता हूँ अली जफर से इस दफा सीटी बजे, इस दफा भी अली जफर से गवाया जाए। अच्छा, शाहिद अफरीदी का कैरियर का आखिरी PSL है, तो उसके हवाले से बात करते हैं। इस वक्त PSL की जितनी भी टीमें हैं उसमें सबसे जो स्ट्रांग टीम नजर आ रही है वो इस वक्त लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो भी कम, उन्होंने तो अपना कॉम्बिनेशन सारा चेंज कर दिया। आजम खान था, उसको भी भेज दिया उन्होंने इस्लामाबाद। मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन बनने पे है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने अब तक जो भी परफॉर्मेंस दी है वो इंटरनेशनल प्लेयर की वजह से दी है। केविन पीटरसन, बिल्कुल, रैली रोसू और शेन वॉटसन, उनके पास हमेशा से अच्छे ये तीन प्लेयर जब तक उनके पास थे तो क्वेटा ग्लैडिएटर का मुकाबला कोई नहीं था। जब ये तीन प्लेयर गए हैं तो आप देखें, अब दोबारा कॉम्बिनेशन बनाने में वक्त लगता है। असल चीज है कॉम्बिनेशन। आप देखें, मुल्तान सुल्तान में रैली रोसो आए हैं, उन्होंने बेशक ग्रुप मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे ही नॉकआउट स्टेज आई है परफॉर्मेंस उनकी बहुत आला थी। कई प्लेयर होते हैं जो कि नॉकआउट स्टेज में आके फ्लॉप हो जाते हैं, वैसे वो ग्रुप मैचेस में परफॉर्म करते रहते हैं। आप उसमें हफीज की मिसाल ले लें, हफीज परफॉर्म करेगा जबरदस्त, वहाब रियाज की मिसाल ले लें, जबरदस्त परफॉर्म करेगा, लेकिन जैसे ही नॉकआउट स्टेज आएगी वहां हफीज और वहाब रियाज जैसे प्लेयर्स जो उनके पांव हाथ पांव फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी नॉकआउट स्टेज आती है उसमें आप अपने आप को बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान हमेशा डोमिनेंट रहा, लेकिन जैसे ही नॉकआउट मरले में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है तो पाकिस्तान हमेशा अब हारता है। ऑस्ट्रेलिया का कहा जा रहा है कि ये मतलब जीती है, बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन आप देखेंगे इससे पहले जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकी। अच्छा, इसमें एक नाम है जी, ब्रैथवेट, कार्लस ब्रैथवेट। हाँ बिल्कुल, चार गेंदों पर चार छक्के, वेस्ट इंडीज को मैच जिताया, बेन स्टोक्स को लगाए थे उन्होंने चार गेंदों पर चार छक्के, और वो भी इस दफा नहीं है। तिशारा परेरा जो कि एक PSL का हमेशा से हिस्सा रहे हैं, इस दफा तिशारा परेरा को भी नहीं लिया गया। अच्छा, हसलंका को जरूर होना चाहिए था, मैं मुझे ये लगा हसलंका, मतलब नहीं, मुझे ड्राफ्ट में नहीं थे, नहीं ड्राफ्ट में थे, वो हाफ सीजन के लिए अवेलेबल थे। अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से उनको नहीं पिक कर लिया, लेकिन ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बहुत जबरदस्त, बहुत वर्ल्ड कप में अगर एक अच्छा प्लेयर देखने को मिला है श्रीलंका की तरफ से, काफी अर्से बाद श्रीलंका की टीम में अगर कोई प्लेयर देखने को मिला है वो ये इयान मॉर्गन, मोइन अली, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया PSL को। अच्छा, और ये चले गए BPL, तो देखते हैं इनका डिसीजन कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। लेकिन बहुत सारे प्लेयर, अच्छे प्लेयर PSL स्विच भी हुए हैं, कुछ प्लेयर जैसे इफ्तिखार हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना, लोकल प्लेयर्स बहुत आला हैं उनके, इस वजह से वहाँ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। तो इफ्तिखार अब आ गए हैं, शिफ्ट हो गए वहाँ से क्वेटा में, और आजम खान वहाँ चले गए। चलें जी, बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ, और मैं इस दफा इस वक्त रिक्वेस्ट करूँगा PCB से कि वो मुल्तान में भी कुछ मैचेस जो है ना कन्वर्ट करे, क्योंकि मुल्तान थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपको पता है दो वेन्यूज होंगे तो खर्चा कम आएगा। नहीं, उसके अलावा भी मुल्तान, अगर आप लाहौर में तीन मैचेस करते हैं जितना खर्चा तीन मैचेस पे आता है उतना मुल्तान में एक मैच पे आ जाता है, क्योंकि जो होटल का डिस्टेंस है, लेकिन जो मुल्तान का जो क्राउड है वो मैं कहता हूँ कमाल है। आप PSL के मैचेस देख लें, जो जोश और जज्बा आपको मुल्तान के मैचेस में, मुल्तान स्टेडियम में नजर आया, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। कराची स्टेडियम ने लास्ट जो हमारी हुई है उसमें बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्राउड बिल्कुल ना होने के बराबर था। और मुल्तान में PCB ने एक स्टेटस भी लगाया था कि मुल्तान की तरफ कन्वर्ट किए जाए मैचेस, मुल्तान कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता इस हवाले से। चलें जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, आप हमारे साथ रहे, बहुत मजा आया, आपने बुलाया, और इंशाल्लाह फिर आप भी PSL के हवाले से डिस्कशन होती रहेगी। नाजरीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।